क्या उनके बीच कोई रिलेशन था? बहुत अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन था उनके बीच, बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत केयरिंग रिलेशन था उनके बीच, जो इन लोगों ने, क्योंकि टुनिशा की मदर नहीं चाहती थी कि शिजान के साथ उसकी शादी हो, ये बोला गया टुनिशा की मदर के थ्रू, और इनका बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था, जहां पे शिजान ने ये चीज बोली है कि टुन्नी काम करते, तू अपने आप पे ध्यान दे, तू अपनी लाइफ जी, मैं नहीं चाहता तू किसी पे भी डिपेंडेंट रहे, साथ में काम करते हैं, टाइम देते एक दूसरे को, और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज़ को माने हैं और आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे हैं। और जो उन्होंने उसमें उन्होंने शिजान और अपना जो अंतिम शब्द लिखा था, आपके भाई का नाम लिखा था उन्होंने, ना कि अपने माँ का नाम लिखा था। हाँ, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ होगी उसी के लिए लिखा जाएगा ना, माँ के साथ नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट, और वहाँ पे ये लिखा गया था कि शिजान इज ब्लेस्ड टू हैव मी एज अ को-एक्टर, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, वो सुसाइड नोट नहीं है, वो सुसाइड नोट में नहीं आता है, प्लीज इसको ना घुमाएं। और वो उसने 3 या 4 दिन पहले लिखा था, लेकिन उस रूम में वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, क्योंकि 16 तारीख को टुनिशा की तबीयत खराब होती है। एक सेकेंड प्लीज, 16 तारीख को टुनिशा की तबीयत खराब हुई है, उन्हीं को बोलने दीजिए, पहले उन्हीं को बोलने देते। तो आप फिर उन्हीं की बात, उन्हीं का पक्ष सुन लीजिए, फिर नहीं, आप उनसे सबूत मांगिए, प्लीज आप सबूत लीजिए ना उनसे, प्लीज। शैलेंद्र जी बोलिए। मैंने जो आपको इसके पहले 23 तारीख का एक एपिसोड बताया, जहाँ पे टुनिशा ने, मैंने आपको कुछ देर पहले 23 का एक इंसिडेंट बताया, जहाँ पे टुनिशा पार्थ के रूम में आके क्या किया क्या नहीं किया। अगर वो दोनों का रिलेशनशिप होता, अगर वो दोनों इतने करीब उस समय थे, तो वो शिजान को एज अ को एक्टर ट्रीट नहीं करती। शिजान वॉज इक्वली अ को एक्टर एंड अ गुड फ्रेंड फॉर हर, जिस वजह से किसी का भी ये आरोप लगाना कि उस 10 मिनट में उन्होंने उनसे बात की, 15 मिनट में बात की, ये सरासर गलत है। पुलिस के जांच या इंक्वायरी में ये कहीं नहीं आया है। ये जो भी है आरोप, सनसनीखेज पवन शर्मा, वनिता शर्मा के तरफ से ही आया है। सर एक बात बताइए, एक दिन पहले उनकी मां का यार, आप रिसेंट पे एक बार को कर दीजिए, भाई एक आदमी सवाल पूछता है, तुम लोग बीच में मत बोलो, मत सारे में दो ना उसको। हां सर, अल्लाह की तरफ से तुम लोग, सर उनकी मां ने आरोप लगाया, अरे सर तुम लोग सुन ले यार, ब्रोना सुने दो ना यार, वन बाय वन बोलिए, दो दो साइलेंस। ये सरासर गलत है। 23 तारीख को शिजान ने अपने फोन से उनकी माता जी को फोन किया, आप जहाँ भी हैं आप तुरंत अभी इसी वक्त सेट पे आइए। किस कारण से किया था वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। पार्थ को उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया, जहाँ पे एक फांसी का फंदे का फोटो दिखाया था, एंड बींग कंसर्न केयरिंग, क्योंकि उनका सगा भाई छोटा ऑटिस्टिक है, उन्होंने उनकी माताजी से अनुरोध किया कि प्लीज़ आप अपनी बेटी के साथ समय बिताइए, आप प्लीज़ अपनी बेटी के साथ रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसको आपकी ज़रूरत है। उनकी बेटी को उनके माँ का प्यार कभी नहीं मिला है। अगर उनकी परिवार से, उनकी माताजी से टुनिशा को वो प्यार मिला रहता, तो वो प्यार बाहर नहीं ढूंढती। आप इतना बोलिए वनीता जी चंडीगढ़ में थी जब टुनिशा को 104 फीवर आया था, वो कौन सी डेट थी, डेट के साथ बताओ। टुनिशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो सेट पे थी, शूट कर रही थी, और उसको 104 फीवर था, और उसकी मम्मी का मुझे फर्स्ट टाइम तब कॉल आया था कि मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ में हूँ, मेरी प्रॉपर्टी का कुछ तो इशू चल रहा है, जो बड़ी नॉर्मल मेरी उनसे अच्छे से बात हुई थी, और आप प्लीज़ टुनिशा को घर पे बुला लीजिए, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि घर पे उनके नाना जो ऑलरेडी बीमार हैं, उनको कुछ तो स्किज़ोफ्रेनिया है, हाँ उनको वो है, तो उसकी वजह से वो अकेली थी, उसके कोई केयर करने वाला नहीं था। मैंने उसको स्पेशली घर पे बुलाया कि हाँ बेटा ठीक है आओ, सेट पे ऑलरेडी डॉक्टर उसको आके देख के जा चुके थे, उसके बाद वो घर पर आई है, बच्ची को 104 बुखार था, और उस बच्ची को हमने बर्फ़ के पानी से
पट्टियां रखी हैं, पट्टियां रखी उसकी पूरी बॉडी स्पॉन्जिंग की है उसकी। कहाँ थी उनकी मम्मी? अगले दिन उसने मुझे आई लव यू का मैसेज किया है कि मेरी इतनी केयर कभी किसी ने नहीं की है, आप ही आई लव यू। आपको दिखाएंगे अभी वो सारे सबूत, वो भी सब हम आपको सबूत हैं। सबूत दिखाएंगे। इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग और रिश्ता था तो फिर आगे ब्रेकअप कैसे हुआ दोनों का? क्योंकि उनकी माँ नहीं चाहती थी, उनकी माँ नहीं चाहती थी। अरे 20 साल की बच्ची की कौन शादी करता है? माँ से कैसे बचा सकते हैं? बायोलॉजिकल माँ से कैसे कोई बचा सकता है किसी को? क्या उनको हम ये कहते हैं कि घर छोड़ दो? क्या ये हल था? 20 साल की उम्र में कौन शादी करता है? अच्छा कभी उन्होंने इच्छा जाहिर की थी या बताया था कभी उन्होंने इस तरह की बातें रखी थी कि हम अभी भी करते हैं? तो माँ को बुलाया तो गया है और कैसी हेल्प करें? जो उनकी बायोलॉजिकल मदर है उनको बुलाया गया है। लास्ट मोमेंट पे कोई ब्रेकअप नहीं, लास्ट मोमेंट पे उसकी मदर नहीं चाहती थी कि शिजान मम्मी को फोन कर करके बोलती थी कि दो महीने से सबसे ज्यादा उसकी माँ खुश थी।